नमस्कार, मैं हूं किंजोल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। पिछले कुछ वक्त से भारत में ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर कई थियरियां चलाई जा रही हैं। दरअसल पिछले साल यानी कि साल 2023 में उड़ीसा में हुए भयानक ट्रेन एक्सीडेंट में 293 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद से वंदे भारत एक्सप्रेस के एक्सीडेंट्स की घटनाएं भी लगातार सुर्खियों में बनी रही। इसी बीच लगभग हर घटना के लिए जिम्मेदार बताए जाने वाले लघुमती समाज पर भी इन एक्सीडेंट्स को लेकर निशाना साधा गया। हाल ही में ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की गई और दावा किया गया कि एक जिहादी व्यक्ति वंदे भारत एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे ही क्लेम के साथ राइट विंग प्रोपेगेंडा हैंडल द जयपुर डायलॉग्स ने ये वीडियो क्लिप पोस्ट की और भी कई राइट विंग हैंडल्स जैसे कि क्रिएटली मीडिया, स्क्विंट नियॉन और मिस्टर सिन्हा ने भी ये वीडियो क्लिप ऐसे ही क्लेम के साथ पोस्ट की। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने वायरल ट्वीट्स पर किए गए इस रिप्लाई को देखा तो पाया कि ये वीडियो वंदे भारत एक्सप्रेस की टूटी हुई खिड़की के शीशे को बदलने की प्रोसेस का वीडियो है। मंथिरा मूर्ति, जो कि एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर और तिरुनवेली जंक्शन रेलवे स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रभारी हैं, ने ये बात बताई थी। उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा कि ये टूटे हुए खिड़की के शीशे को बदलने की प्रक्रिया का वीडियो है और वायरल वीडियो में भी यही प्रक्रिया दिखाई गई है। उन्होंने मैनुअल के इस दूसरे स्टेप के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया जिसमें खिड़की के शीशे को कैसे हटाया जाए इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। वेरीफाइड एक्स हैंडल ट्रेन्स ऑफ इंडिया ने भी ये बात ट्वीट करते हुए कन्फर्म की थी। वहीं ऑल्ट न्यूज को छानबीन करते हुए ये यूट्यूब वीडियो भी मिला जिसमें ट्रेन के टूटे हुए शीशे को कैसे बदला जाए इस बात का ट्यूटोरियल दिया गया है। पर सिंगल लेयर डैमेज हो या दोनों लेयर, हमें विंडो ग्लास को पूरा ही चेंज करना होता है। जब ये टूटा हुआ ग्लास निकालने का काम करे तब मेक श्योर कि आपने अंदर से सब कवर कर लिया है, नहीं तो ग्लास पार्टिकल्स आपके काम को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस लेफ्ट ओवर ब्रोकन ग्लास को निकाल लेते हैं। इसके लिए वी विल यूज दिस ऑसिलेटिंग टूल जो इस काम को काफी आसान बना देता है। अब इसी टूल से हम पुराना सीलेंट भी निकाल लेते हैं जिससे ये बेस रेडी हो जाएगा। और तो और द लल्लन टॉप से बातचीत करते हुए पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया था कि ये वीडियो इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो कांकरिया में अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत के रखरखाव के दौरान बनाया गया था और ये विंडो के शीशे को बदलने की प्रक्रिया का वीडियो है। तो जैसा कि आपने देखा, वायरल वीडियो में कोई व्यक्ति ट्रेन के शीशे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है बल्कि ये ट्रेन के रखरखाव के दौरान विंडो के शीशे को बदलने की प्रक्रिया का वीडियो है।